बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, माय स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को, इस चैप्टर को जो क्लास 10th का चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसको हमने स्टार्ट किया था। आज उसी से रिलेटेड, उसकी एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट टॉपिक इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। So students, first of all, we are going to discuss its history. के इसकी history क्या है, ये sexagesimal system जो है वो कहाँ से originated है। Students, Babylonian mathematics used a sexagesimal system. अब sexagesimal system क्या चीज़ है, that system whose base is 60. जिस हमारे पास decimal system होता है उसकी base 10 होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो sexagesimal system है उसकी base 60 है। Whenever we talk about the time or make reference to the degree of a circle, we rely on this system, that is sexagesimal system. Babylonian mathematics has the roots in the numeric system started by the Sumerians. Sumerians, Sumer से word निकला हुआ है, ये कदीम बाबल के जो इब्तदाई बाशिंदे थे उनको कहा जाता है Sumerians, ठीक है, and they used this sexagesimal system in their mathematics. And Babylonian mathematics has roots in the numeric system started by the Sumerians, and this Sumerians ka jo culture tha, this culture began 4000 BC, 4000 BC qabl-e masih. Now students, the Sumerians and Babylonians, they were using their two hands for the counting numbers, theek hai, they used the four fingers of the both hands and they use their knuckles. They use their knuckle for counting the numbers. As we know that there are 12 knuckles in the this hand and 12 on the other hand. So 12 was a factor which is factor of 60. Isi tarah se hamare paas 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 12, these are different फैक्टर्स ऑफ 60, और वो अपनी काउंटिंग के लिए, किसी भी चीज़ की नंबरिंग के लिए, काउंटिंग के लिए जो है क्या करते थे, अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करते थे, उनकी नकल्स को जो है क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, और इस तरह से करते करते वो बेस 60 तक पहुंच गए, ठीक है। नाउ वेयर दिस सेक्साडेसिमल सिस्टम इज यूज, हाउ वी यूज दिस सेक्साडेसिमल सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। नाउ अगर हम देखते हैं एंगल की मेजरमेंट के अंदर, तो हमारे पास एक अगर सर्कुलर शेप डायग्राम है और उसकी जो ये रेडियस है, इसको हम कह देते हैं कि दिस इज द इनिशियल साइड ऑफ एन एंगल। हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द इनिशियल साइड ऑफ एन एंगल, और जब भी कोई एंगल सबस्टेंड होता है इन अ सर्कल, तो हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड को यूं रोटेट करते हुए यहां पे वापस आ जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो एक पूरी कंप्लीट रोटेशन हो जाती है। और स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक अर्लियर कि ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन देयर इज 360 डिग्री एंगल सबस्टेंडिंग एट द सेंटर और एट दिस पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है, और फिर अगर हम फर्दर डिवाइड करते जाएं इस एंगल को, अगर हाफ सर्कल की हम बात करें, तो हाफ सर्कल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री एंगल को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी चीज का हाफ करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो हाफ सर्कल के अंदर एंगल बनेगा, दैट एंगल इज 180 डिग्री, यानी ये वाला पोर्शन आपके पास आ जाता है, ये ऊपर वाला, दिस पोर्शन, यहां पर जो एंगल बनता है, this angle is also called straight angle and this angle is 180 degree measure. Now agar hum isi circle ko 4 equal parts mein divide kar de, agar main yahan par is tarah se isko ye 4 parts mein 1 2 3 and 4 parts mein agar hum divide kar de, to yahan par jo angle banega, each and every angle is right angle, each and every angle is right angle. So students, yahan se hum chalte hain 1 डिग्री के कॉन्सेप्ट पे, कि हमारे पास 1 डिग्री जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर आप जो है इसको यहां से फर्दर डिवाइड करते जाएं पार्ट्स के अंदर,
वैसे प्रैक्टिकली तो हमारे पास ये टारगेट अचीव करना दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट लेट अस सपोज कि ये जो मैंने डिवीजन की है दिस इज 360 इक्वल पार्ट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिवीजन है ये मैंने कर दी। लेट अस सपोज अब यहां पर जो ये वाला एंगल है, ये जो मैं जिसको शेड कर रहा हूं, ये अगर हमने सपोज किया है कि दिस इज 360 पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, देन दिस वन पार्ट इज कॉल्ड 1 degree। सो इट मींस दैट कि अगर हम किसी सर्कल को जिसमें टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री एंगल होता है, अगर हम उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसका जो एक पार्ट होगा वो एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 degree। जिस तरह हम कहते हैं स्टूडेंट्स के 1 centimeter इज इक्वल टू 10 millimeter, अगर हम 1 centimeter डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये सारा डिस्टेंस जो है आपके पास 1 centimeter है, और अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये एक जो पार्ट होगा दिस वन पार्ट इज 1 millimeter। सो 1 millimeter इज द 1/10th पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर। Just like that, if a circle is subdivided into 360 equal parts, then its one part is 1 degree angle. Now, students, when we further divide 1 degree, let us suppose ये तो बहुत बड़ा angle है, लेकिन let us suppose ये 1 degree है. This is 1 degree angle. अगर हम इसको further subdivide कर दें कि इसमें 60 equal parts हैं, मज़ीद हम इसको क्या करते हैं? डिवीजन कर दें, और वो डिवीजन कितनी हो, 60 इक्वल पार्ट हो, तो फिर उसकी जो एक पोर्शन होगा, एक जो पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड 1 minute, एंड 1 minute इज डिनोटेड बाय अ डैश, 1 minute इज डिनोटेड बाय अ डैश। आप इसको पढ़ेंगे कि 1 degree इज इक्वल टू 60 minutes, 1 degree इज इक्वल टू 60 minutes। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास स्मॉल एंगल जो बनता है जिसको हमने 1 minute कह दिया, इसको आप मजीद डिवाइड कर दें 60 इक्वल पार्ट्स पर, तो फिर जो एक पार्ट हमारे पास आएगा दैट पार्ट इज कॉल्ड अ सेकंड, दैट इज 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। यानी हम क्या करते जा रहे हैं, एंगल को नैरो करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है टाइम के कॉन्सेप्ट से, जिस तरह हम कहते हैं कि 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, तो यहां पर जो आवर की जो कंडीशन है या जो आवर की पोजीशन है या उसकी जो वैल्यू है, इट इज जस्ट लाइक 1 degree। ये नहीं कह रहा कि बोथ आर इक्वल, सिर्फ मैं आपको मेमोराइज कराने के लिए, आसानी के साथ याद रखने के लिए आप रख सकते हैं जहन में कि जिस तरह एक घंटा जो होता है 1 hour टाइम होता है वो 60 minutes के इक्वल होता है, जस्ट लाइक 1 degree एंगल जो होता है वो 60 minutes के इक्वल होता है। और वहां पर मिनट से मुराद टाइम वाला मिनट नहीं है, बल्कि हम डिग्री 1 degree एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका 1 जो पार्ट होता है, यानी 60th जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो 1 minute के बराबर होता है। एंड फर्दर जब हम डिवाइड करते हैं मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में तो उसका जो 60th पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड 1 second। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। Now students, we are going to start exercise number 7.1 and its question number 1 is convert the following degree, minute, second form to decimal form. Decimal form हमारे पास जो standard form होती है जिसके अंदर हमारे पास decimal point होता है। Now students, the first part is 8 degree 15 minutes 35 seconds. मिनट के लिए एक डैश इस्तेमाल होती है और सेकंड्स के लिए जो है वो डबल डैश इस्तेमाल होती है। सो स्टूडेंट्स हमने किस तरीके से डिग्री मिनट और सेकंड सिस्टम को चेंज करना है डेसिमल सिस्टम में, उसके लिए आपके पास कुछ की पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। व्हाट आर दीज की पॉइंट्स, जिस तरह देखिए मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दी कि 1 millimeter इज द 1/10th पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर, 1/10th पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर, जस्ट लाइक दैट 1 minute इज द 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, एक मिनट जो होता है वो एक डिग्री का 60वां हिस्सा होता है, 1/60th पार्ट होता है। नाउ स्टूडेंट्स 1 second के बारे में अगर हम बात करें तो 1 second जो है वो 1/3600 पार्ट ऑफ अ डिग्री, यानी 1/3600वां हिस्सा होता है। सो स्टूडेंट दीज आर द टू की पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज टू कन्वर्ट
डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। अगर आप पार्ट नंबर वन के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट नंबर वन, तो एक डिग्री है 15 मिनट से 35 सेकंड है। अब स्टूडेंट्स, एक डिग्री तो आपके पास कंप्लीट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट आगे आ रहे हैं वो मिनट्स और सेकंड्स हैं। आपने इस एक डिग्री को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको उसी तरीके से आगे शिफ्ट करना है, और 15 मिनट्स को आपने क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, एंड सेकंड को भी आपने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, एक डिग्री, ये जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है, इसको आप सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, 8 डिग्री 15 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स, दे आर ऑल टुगेदर, एंड ऑल टुगेदर स्टैंड्स फॉर एडिशन। सो एडिशन का साइन मैंने इसलिए शो किया है ताकि आपको बिल्कुल अलग अलग से समझ आ जाए कि आपके पास जो कंप्लीट या होल पार्ट है वो 8 डिग्री है, और आगे जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं जो डेसिमल फॉर्म में आएंगे वो आपका मिनट और सेकंड है। नाउ मैंने इनको एडिशन की फॉर्म में इसीलिए लिखा। नाउ जी, 8 डिग्री उसी तरह से शिफ्ट हो गया, 15 मिनट्स जो है उसके लिए आपने देखना है कि 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री। सो दैट्स व्हाई आपने 15 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 1/60 के साथ, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस मिनट टू डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, आप एक और एग्जांपल से भी इस बात को समझ सकते हैं कि हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/60 के साथ। देखिए, आपका 30 मिनट्स का टाइम है, 30 मिनट्स के टाइम को कोई आपसे पूछता है कि ये इसको इन द फॉर्म ऑफ आप आवर्स कैसे शो करेंगे, या इसको आप 30 मिनट्स को आप घंटों में कैसे चेंज करेंगे। सो व्हाट इज द प्रोसीजर, 30 को आपने उसी तरह से लिखना है। अब आपने सोचना है कि वन मिनट एक आवर का 60वां हिस्सा होता है, 1/60th पार्ट ऑफ एन आवर। सो 30 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 1/60 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 30 और 60 कैंसिल करेंगे तो हाफ आवर बनता है, या 0.5 आवर बनता है, जो आपके पास जो क्वेश्चन फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है। सिमिलर इज द केस विथ 30 सेकेंड्स, अगर सेकेंड है आपके पास तो सेकेंड के लिए आपने ये कंसेप्ट इस्तेमाल करना है कि 1 second इज 1/3600 पार्ट ऑफ अ डिग्री। तो टाइम के लिहाज से आप क्या कहेंगे कि एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 होते हैं। तो इट मींस दैट कि जो सेकेंड है ये आवर का 1/3600 पार्ट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अगर आगे फर्दर आप सॉल्व करके उसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म इसकी अटेंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेयर वी आर सॉल्विंग 8 डिग्री प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1/60 डिग्री, नाउ इट इज अ टाइम टू कन्वर्ट द सेकंड्स टू डिग्री। सो सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि 1 second इज 1/3600 पार्ट ऑफ अ डिग्री। सो हमने 35 को उसी तरह से लिखा है, सेकंड्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/3600 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, 8 डिग्री इज सेम एज अबव, जितना से पहले से लिखा हुआ है, उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, वो हमारे पास एक होल पार्ट है, उसे कोई डेसिमल पार्ट में आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास मैंने लिखा है इसको 15/60, दिस इज एक्चुअली 15/60। यू मे यूज अ सिंपल कैलकुलेटर इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, और आप 15 को 60 पे डिवाइड करते हैं तो 0.25, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू डिग्री फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है 35 मल्टीप्लाई बाय 1/3600, दिस इज एक्चुअली 35 डिवाइडेड बाय 3600। सो यूज अ सिंपल कैलकुलेटर, और आपके पास डिवीजन के बाद आपके पास जो आएगा आंसर वो होगा 0.0097 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, हमने तीनों जो हमारे पास पार्ट्स थे, यानी डिग्री एंड आगे मिनट एंड आगे सेकंड, सबको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, इसलिए कि सेम मेजर में जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, एडेबल होती हैं, उनका हम सम फाइंड कर सकते हैं। अब ये तीनों डिग्री मेजर में आ गई हैं, तो आप इसको बिल्कुल रफ में जाकर जो है 8 डिग्री को आप लिख सकते हैं 8.000 पॉइंट के बाद आप अपने असिस्टेंस के लिए 0 लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा है 0.25, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी आप अपने से 0 लगा सकते हैं। सिमिलरली 0.0097, अब इनको ऐड करते हैं तो सिंपल एडिशन है, 00 और 77 आएगा, 009 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, डेसिमल जो पॉइंट है वो अपनी पोजीशन पे आएगा, और 8
So 8.2597 is our decimal form answer. 8.2597 and degree. क्योंकि ये तीनों सेम मेजर में है, डिग्री मेजर में है, तो दैट्स व्हाई हमने इनको ऐड किया. तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसके साथ भी क्या आएगा, कौन सी यूनिट इस्तेमाल होगी, डिग्री की यूनिट इस्तेमाल होगी. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा. इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.